हे hey है देखो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक रहते हैं जो आपने बॉटम पे दिखने को मिलते हैं सर हालांकि लगभग क्या होता है ना वो बहुत देखो कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो बहुत बुरी तरीके से गिरे रहते हैं सर अभी मान लेते हैं कि जब भी कोई चीज़ें एटी परसेंट गिरता है या सिक्सटी परसेंट गिरता है तो सर लोगों को लगता है कि वो कंपनी ख़राब है देखो गिरावट का मतलब लोगों को लगता है ख़राब है लेकिन सर सोचो कि भाई वही सिक्सटी परसेंट और एटी परसेंट के गिरावट में अगर आपको को कोई अच्छा स्टॉक मिल जाए तो सोचो आप कितना बड़ा बेनिफिट करने जा रहे हो सर है कि नहीं बहुत बड़ा बेनिफिट कर पाओगे सर मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे लेकिन सर इसके लिए थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना पड़ेगा और किसी भी चीज़ में हाई पर पैसे लगाने की कोशिश ना कीजिएगा सर उसको इग्नोर कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि हाई पर पैसे लगाना सर कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है सर कभी भी नहीं होती है सर लो पे पैसा लगाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है और ये गिरावट नहीं होते सर ये आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि देखो भाई चीज़ें सस्ती हो चुकी है सर कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ पहले आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा ऑल टाइम हाई से सर ये जो है सिक्सटी सेव मतलब सेवेंटी परसेंट मान लीजिए तो गिर चुका है सर ऑल टाइम हाई से ये बेचारा सत्तर परसेंट गिर चुका है सर सत्तर परसेंट अब कोई भी स्टॉक इतना गिरता है तो लोगों का मानना होता है यार कि ऐसी कंपनियाँ अच्छी नहीं होती है नहीं होती है सर लेकिन जब यही चीज़ धूम मचाते हुए सर जब ऊपर चली जाएगी तो लोग बोलेंगे यार पहले नहीं बताया पहले क्यों नहीं बताया एक ही स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता रहता है जब नीचे था तब क्यों नहीं बनाया हाँ नीचे था तब तो कुछ नहीं बोल रहा था अब ऊपर चला गया तब तो तू बड़ी बड़ी बातें करेगा ही क्रेडिट लेगा ही बकवास कर रहा है ये वो वैसा वैसा कोई फ्रेश बता के दिखा अब मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ चलो भाई सब कुछ तो तुम ही बोल रहे हो तुम ही खुश रहो जो बोलना है बोलो चाहे तुम जो भी बोल लो सर जो भी कर लो लेकिन तुम्हें पी नहीं मिलने वाला सर मतलब प्रॉफिट नहीं मिलने वाला याद रखिएगा सर आलतू फालतू बातें करने से हमें चीज़ें हासिल नहीं होती है सर हमें उसके लिए सही टाइम पे सही काम करना पड़ता है सर याद रखिएगा ठीक है तो उस कंपनी का नाम है सर पॉलीप्लेक्स कॉर्प ठीक है आप बॉटम वाले स्टॉक के ऊपर कभी ध्यान रखोगे ना सर तो फ्यूचर आपका ब्राइट रहेगा लेकिन अगर जो चीज़ें हाई जा चुकी है उसके ऊपर ध्यान रखोगे ना सर तो फिर आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है सर लॉन्ग टर्म में और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा सर लाइफ में कितना बड़ा भी सर आपको टेंशन हो जाए स्टॉक मार्केट में तो आपको करना केवल एक ही काम है सर और वो है स्टडी करोगे तो सर आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा क्यों क्योंकि आपको पता चल जाएगा सर कि जो चीज़ आपने ख़रीद रखा है वो सही है गलत है क्या उसमें एवरेज करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए पता चलेगा सर आपको लेकिन अगर आप अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो तो सर तकलीफ़ें बढ़ सकती है ना बिल्कुल तकलीफ़ें फिर आपको बड़ा नुकसान दे सकता है सर पहली बात तो सर जितने भी पैकेजिंग वाली कंपनी है वो सब गिरा हुआ है सर थर्टी फाइव ईयर का एक्सपीरियंस है सर इनको पैंतीस साल का एक्सपीरियंस है सर और लगभग सेवन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सर तो सोचो कि इनके पास जितने भी सेवन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अभी पूरी कैपेसिटी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्यों क्योंकि आगे डिमांड नहीं है लेकिन कर सकते हैं जितना है उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो लगभग फाइव से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में सर ये कंपनी जो है काम करती है सर मल्टीपल वेयर हाउसेस आपको देखने को मिल जाएंगे सर पूरे वाइड रेंज में देखने को मिलेंगे सर कंपनी का बड़े बड़े लेवल में सर ये जो कंपनी जो है काम करते हुए नज़र आ जाएगी सर देख देखते तो एटी फाइव कंट्रीज़ आपको दिखने को मिल रहा है सर यहाँ पर अब लोग बोलेंगे सर ये तो एटी फाइव कंट्रीज़ में है आपने तो फाइव बोला सर फाइव कंट्रीज़ में इनके वेयर हाउसेस है वेयर हाउसेस है सर ठीक है ऐसे तो ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है सर ऐसा है सर और देख सकते हो 2750 एम्प्लॉय आपको दिखने को मिला 760 एम आपको जो देखने को मिला सर इनका टर्नओवर है ये है कंपनी सर इस कंपनी के पास अगर आप देखोगे तो 4.78 लाख मैट्रिक टन लाख मैट्रिक टन का सर कैपेसिटी है इतना ज़्यादा कैपेसिटी है सर कंपनी के पास लेकिन इतनी कैपेसिटी के साथ कंपनी काम नहीं कर पा रही है सर दस कंपनी मार्केट शेयर लेके चलती है सर सोचो कितनी अच्छी बात है सर अब इस कंपनी के देखोगे इस कंपनी के बताया जा रहा है कि सर केवल दस कस्टमर मिलकर ट्वेंटी फाइव परसेंट तक का सर कंपनी का सेल्स जनरेट कर देते हैं सर रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं सर कंपनी अगर देखोगे तो किस किस फील्ड में बताया जा रहा है पैकेजिंग इंडस्ट्री तो देख सकते हो तो फूड एंड बेवरेज हो जाता है सर ठीक है लेबर्स देखने को मिल जाएगा ब्यूटी पर्सनल होम केयर हो जाएगा ठीक है हेल्थ केयर फार्मा हो जाएगा सर ये हर एक चीज़ में काम करती है इससे डिजिटल हो जाता है फिल्म्स हो जाता है ठीक है पी आपको देखने को मिल जाएगा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है सर इलेक्ट्रिकल वो सारी चीज़ों में सर ये कंपनी जो है डील करती है सर इंडस्ट्रियल हो जाएगा पैकेजिंग हो जाएगा ये अपना प्रोसेस बताते हैं सर देखो प्रोसेस क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखोगे नेचुरल रिसोर्स क्रूड ऑयल वगैरह सर प्राइस फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आ जाता है नेचुरल गैस ठीक है बेसिस के पेट्रोकेमिकल आपको बताया जा रहा है सर ये सारी चीज़ें उसके बाद रॉ मटेरियल्स यहाँ पर इनके पास देख सकते हो सर उसके बाद यहाँ देख सकते हो प्लास्टिक इंटरमीडिएट्स प्रोडक्ट हो जाता है सर लास्ट में कंज्यूमर होता है सर ये सारे प्रोसेस है सर ये सारे प्रोसेस है कहीं कही ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जुड़ कर सर यहाँ पर जाते हुए नजर आते हैं सर ऐसा है सर रॉ मटेरियल का अगर आप देखोगे तो सर और कंपनी ने अपने आर एन डी सेंटर को सर बढ़ाने का सोच लिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंपनी का मानना है कि देखो हम जितना ज़्यादा अपने कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करेंगे सर उतने बड़े लेवल में काम करेंगे देखो आर एन डी का मतलब क्या सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप पता करेंगे कि किस शहर में किस सिटी में किस कंट्री में किस चीज़ का सर सेल्स ज़्यादा होता है उसका पैकेजिंग कॉन्टैक्ट लेने की कोशिश करो सर तो इससे पता चलता है सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले या फिर कोई नई टाइप की पैकेजिंग का ये निकालो सर इनोवेशन निकालो अगर निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है सर इस टाइप से सर ये लोग भी बड़े लेवल में डील करते हुए नज़र आ जाते हैं सर उसी तरीके से एक पॉलीफिल्म करके है शायद वो और एक उफ्लेक्स करके है शायद ये तो पैकेजिंग वाले सर सारे जितने भी अभी कंपनी हैं सर उनका बिजनेस खराब ही चल रहा है पैकेजिंग से रिलेटेड तो सबका ख़राब चल रहा है सर वो टाइम कभी भी चेंज हो सकता है कभी भी चेंज हो सकता है सर बाकी कंपनी अपने बुक वैल्यू के बाजू में देखने को मिल रहा है पी भी बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाला नहीं है सर अगर थोड़ा बहुत गिरता है तो अब कंपनी सस्ता होता हुआ ही नज़र आ जाएगा सर सात सौ करोड़ का डेट है लेकिन सर कंपनी के पास उतना अगर आप देखोगे तो सर रिजर्व क्या बोलते हैं रिजर्व भी रहना चाहिए सर हालांकि मार्केट कैप के हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं कंपनी के पास थ्री करोड़ का रिजर्व है और सात करोड़ का डेट है सर तो कहाँ टेंशन वाली बात है कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर प्रमोटर्स ने थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेची है ये इंटरनल मामला है सर चलता हुआ नज़र आ जाता है सर तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि देखो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनियों को नीचे में पकड़ना है और ऊपर में बेचना है सर ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइज़ या टिप्स वगैरह नहीं है सोच समझ के अपने हिसाब से अपने रिसर्चर से या कंसल्ट करके अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एकदम आगे बढ़ेगा और अगर स्टॉक मार्केट तो में नहीं हो तो अपना डिमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में होगा सर अब तो एंजल ने आई के साथ भी पार्टनरशिप कर रखा है जो कि बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात है सर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिनटों में जाकर अपने डिमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री में सर